हेलो पीपल, वेलकम टू फैशन फ्रीक। इन आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉनसून में अपने हेयर केयर्स की। वेल, बारिश किसको पसंद नहीं। हम बारिश एंजॉय तो कर लेते हैं पर अपने बालों की केयर करना भूल जाते हैं और यहीं से स्टार्ट होती है हमारी हेयर की मेजर प्रॉब्लम। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए कुछ टिप्स जिनसे आप अपने बालों की प्रोटेक्शन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो द टिप नंबर वन इज़, हमें रेगुलरली शैम्पू करना चाहिए। कोशिश करें तो हम रोज़ शैम्पू कर सकते हैं। कोई भी हर्बल शैम्पू से हम अगर रोज़ शैम्पू करते हैं तो हमारे बाल को कोई डैमेज नहीं होता है। शैम्पू करने से हमारे बालों का जो मॉइस्चर है वो मेंटेन रहता है और बालों को ह्यूमिडिटी से बचाता है। टिप नंबर टू, बारिश में एक और मेजर प्रॉब्लम हो जाती है, वो है फ्रिजीनेस। हमारे बाल बहुत फ्रिजी हो जाते हैं। कंडीशनर लगाने से हमारे बाल का फ्रिजीनेस चला जाता है, वो स्मूथ हो जाते हैं और उनमें टैंगल्स नहीं होते हैं। टैंगल्स नहीं होंगे तो अल्टीमेटली ब्रेकेज भी नहीं होगा। एंड नेक्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हमें अपने बालों को बारिश के पानी से बचाना होगा। बारिश के पानी से अगर हम भीगते हैं तो हमारे बाल अगर भीग जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स जैसे कि इचिंग और स्कैल्प से रिलेटेड बहुत सी ऐसी डिजीज़ हो जाती हैं हमें। इसके हमें कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को हम बारिश के पानी से बचा सकें। अपने बालों को कवर करके निकलें, अम्ब्रेला लेके निकलें, रेनकोट लेके निकलें, जो भी करें अपने बालों को कवर करके हमेशा बारिश में निकलें। नेक्स्ट थिंग इज़ कि इस मौसम में ज़्यादातर हमें अपने बालों को टाई करके रखना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि एक हल्का सा बन बना लें, हल्की से पोनीटेल बना लें ताकि हमारे बाल जो हैं वो बिल्कुल टाई अप हो, खुले ना रखें। खुले रहने से हमारे बाल जो हैं एक्सपोज होते हैं ह्यूमिडिटी को और उसमें ब्रैकेज हो जाता है। सिंपल प्लीटेड पोनीटेल भी बना सकते हैं, ब्रेड भी बना सकते हैं। एंड द लास्ट स्टेप इज़ हेयर मास्क। किसी भी तरीके का हेयर मास्क, जैसे कि हम अगर दही और नींबू का ही मास्क ले लें, इससे हमारी डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। हमारे बाल लस्ट्रस हो जाते हैं, हेल्दी हो जाते हैं, लॉन्ग हो जाते हैं और हमारे बालों का टेक्स्चर काफ़ी स्मूथ हो जाता है। तो ये कुछ टिप्स थे जिनको फॉलो करके हम अपने बालों का केयर भी कर सकते हैं, साथ ही साथ अपनी बारिश के मौसम को एंजॉय भी कर सकते हैं। अगर आपको ये टिप्स पसंद आई, ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्ने रिलेटेड प्रॉब्लम से, मुहासों के दाग जो होते हैं या मुहासों से कैसे हमें रिलीफ मिले, इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगी। सो कीप वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।